हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वंदना और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मुंबई में कितनी खूबसूरत तैयारी होती है गणपति जी की और क्या क्या लोग करते हैं। ये हमारी सोसाइटी की लॉबी है और ये है गणपति का आसन जहाँ पे वो विराजमान होंगे, बैठेंगे। और बहुत ही अच्छे खूबसूरत तरीके से हम लोगों ने अपनी लॉबी को डेकोरेट किया है। 3-4 दिन बैक टू बैक यहाँ प्रोग्राम चलेंगे और मुंबई में सब कुछ इतना सुंदर और ब्यूटीफुल होता है, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन माई वर्ड्स, बट डेफिनेटली यू विल हैव फन जब आप ये सब देखोगे, वीडियो देखोगे। तो अभी जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ 3-4 दिन तक प्रोग्राम चलेंगे और अभी हम नाचते हुए ढोल के साथ गणपति जी का वेलकम करेंगे, उनको लेकर आएंगे। बस थोड़ी ही देर में वो आने वाले हैं और हम सब लोग वहाँ जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी हमने लॉबी को कैसा डेकोरेट किया है। ये है दिया, दिए जो बच्चों ने बनाए थे, दिया कॉम्पिटिशन कल हुआ था हमारे यहाँ पर, तो इसमें से प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये है गणपति जी का आसन जहाँ वो आके विराजमान होंगे, बैठेंगे। और ये है मेन गेट हमारा, ये है हमारा जहाँ टेंट लगाया है, डांस कॉम्पिटिशन, सिंगिंग एंड प्ले, तंबोला, सो मेनी एक्टिविटीज आर देयर यहाँ पर होंगी। सो दिस इज द व्यू ऑफ आर लॉबी। सो गाइस, तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए गणपति बाप्पा। इस तरीके से हम लोग नाचते गाते हुए गणपति बापा को लेकर आए थे, उनका स्वागत हम लोगों ने किया था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही लाइवली सा एटमॉस्फेयर था, मैं आपको बता नहीं सकती, वी एंजॉयड अ लॉट। आई डोंट नो आपको अंधेरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बच्चे बड़े बूढ़े सब लोग खुशी में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं गणपति बापा के आने की खुशी में। बहुत ही बारिश हो रही थी लेकिन सब नाच रहे हैं, ये वीडियो बारिश होने के बाद की है, स्टिल दे वर डांसिंग लाइक एनीथिंग। ये है हमारे गणपति बाप्पा जो कि आ चुके हैं, आरती के बाद उनका मुख दिखाई देगा, ये आरती से पहले की फोटो है। तो ये कुछ रैंडम क्लिक्स हैं जो उस दिन हमने लिए थे गणपति बाप्पा की आरती के वक्त। सो ये थी मेरी वीडियो, होप यू लाइक माय वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल और मैं जल्दी ही आऊंगी गणपति के और नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गणपति बाप्पा मोरिया एंड एंजॉय योर लाइफ फुली।